नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत अनीता। निजामुद्दीन मरकज से देश के कोने कोने में गए लोगों ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी गई है। इसी वजह से हरियाणा में भी मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ने लगी है। देश इस वक्त एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जिसे हम देख नहीं सकते। आज हम इसी जंग को जीतने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की महामारी के आगे महादेशों ने भी घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका जैसी महाशक्ति भी कोरोना से मजबूर है। दुनिया भर में 55,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी एक वायरस ने छीन ली और भारत में भी 60 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोरोना से अमेरिका में 7,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। इटली में वायरस ने 14,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। स्पेन में कोरोना से 10,000 से ज्यादा की मौत हुई। फ्रांस में 5,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। चीन में 3,000 से ज्यादा लोगों की इस वायरस से मौत हो गई। भारत में भी 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी के मरकज से निकलने वाले लोगों ने पूरे देश में संक्रमण का खतरा बढ़ा दिया। हरियाणा में भी 1200 से ज्यादा जमातियों की पहचान की गई, जिनकी रिपोर्ट अब धीरे धीरे आने लगी है। इनकी रिपोर्ट आने से ही प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ने लगा है। सरकार संक्रमण रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने देशवासियों का हौसला बढ़ाने के लिए रविवार के दिन रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया और मोमबत्ती जलाने की अपील की है। इस अदृश्य वायरस से लड़ने के लिए हौसले का उजाला जरूरी है। ये देश की जंग है और इसे हमें जीतना ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हर रोज इसी वक्त हम चर्चा करते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण को किस तरह से रोका जाए, क्या उपाय किए जाएं और किस तरह से लॉकडाउन का पालन किया जाए और सरकार की ओर से जितने भी नियम बनाए गए, जो नियमावली सरकार की ओर से बनाई गई है, क्या वो काफी है, उसमें और भी नियमों की आवश्यकता है, कोरोना वायरस का संक्रमण किस तरह से रोका जाए, इन तमाम मुद्दों पर हम इस वक्त चर्चा करते हैं। और हर रोज की तरह हमारे साथ पैनल में मौजूद है डॉक्टर राहुल भार्गव। डॉक्टर राहुल, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। शुरुआत कर लेते हैं, पहला प्रश्न यही है कि तीसरे चरण के लिए भारत कितना सतर्क नजर आ रहा है, कितना तैयार नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, हम पहली बात तो तीसरे फेज में नहीं जाएंगे, ऐसा हमारा सोचना है और ऐसा हमारा कार्य चल भी रहा है। ये समझना जरूरी है, ये कम्युनिटी स्प्रेड है। 1500 जो लोग मरकज से निकाले गए और 5,000 लोग जो उससे बाहर गए, हो सकता है उससे फैला जरूर हो, क्योंकि उसी लॉकडाउन पीरियड से पहले लोग गए थे, तो ये लोग अभी नंबर ऑफ केसेस बढ़ने की आशंका है। और जिस मुस्तैदी से पिछले 3 दिन में सरकार ने 8-9 हजार लोगों को कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से पकड़ लिया और उनकी टेस्टिंग करा दी, तो नंबर पॉजिटिव है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल घबरा जाएं या हम सांप्रदायिकता में आगे बढ़े। इनको यहीं छोड़ दीजिए, ये एक एपिसोड था, जैसे एक पलायन एपिसोड था वैसे ये मरकज का एक एपिसोड है। इसको छोड़ के आप यूनिटी बरकरार रखिए। हम स्टेज 3 में नहीं जाएंगे अभी भी, अगर आप सब लोग इस लॉकडाउन का कर्तव्य पालन करते हैं तो। क्यों? क्योंकि आपसे ही फैलेगा। देखिए, एक बात समझिए, वो जिस लोगों से मिले, अगर जिस दिन लॉकडाउन हुआ और मान लीजिए 3 दिन पहले पकड़े गए, आज 3 तारीख है, 1 तारीख को उनको पकड़ लिया गया सबको, इसके बाद से उनका आना जाना आवाजाही में रुकावट हो गई, 1 तारीख से भी जितने लोगों को आना होगा वो 14 तारीख तक आ जाएंगे। तो 14 तारीख ऐसे समय है जब सारे ये लोगों ने अगर 1 तारीख को किसी को संक्रामक किया भी होगा तो 14 तारीख तक पता चल जाएगा। इसीलिए ये जरूरी है कि इसमें बहुत ज्यादा इन नंबर से लेके विचलित ना होइए, आप अपना नॉर्मल दिनचर्या चलाइए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। इस तरह के मसले डॉक्टर राहुल जो सामने आ रहे हैं, धार्मिक उन्माद तो जाहिर सी बात है पैदा ही हुआ है, लेकिन लोग भी डरे हुए नजर आ रहे हैं, और जो लोग वहां से भागे या फिर वो वहां से निकले उनमें भी एक तरीके का डर देखने को मिला, तो भारतीय लोगों में कोरोना वायरस को लेकर इतना डर, इतना भय क्यों नजर आ रहा है, जिसमें कि लगातार सरकार लोगों को जागरूक भी कर रही है लेकिन लोग फिर भी सतर्क नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए, इस सोशल मीडिया के जमाने में अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प छींक भी मारता है तो देश को उसी समय रियल टाइम में पता चल जाता है। तो इतना उन्नत हो चुका है टेली कम्युनिकेशन की लोगों में जा सकती है, तो लोग अनभिज्ञ नहीं है। जब लॉकडाउन चालू हुआ था तब लोगों को लगता था कि ये क्यों हुआ, पर जब से उन्होंने इटली देखा कि 11,000 मौतें,
कल अमेरिका में जो सबसे ज्यादा एक दिन में मृत्यु होने का खिताब अगर इटली के पास था 914 का, उसको स्पेन ने दो दिन पहले तोड़ा 950 का, और कल उसको अमेरिका ने तोड़ दिया। 1450 लोगों की 24 घंटे में जान गई। तो ये डर जो कोरोना वायरस का बैठा, हम कितना भी इसको साक्षरता लाने की कोशिश करें, कितनी भी पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें, लोग रियल टाइम में न्यूज गूगल फेसबुक पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से इटली अमेरिका में तबाही कोरोना वायरस मचा रहा है। तो इसलिए उनको भी डर है। रही बात रिलीजन से जोड़ने की, तो हर रिलीजन में हर आदमी की एक बेसिक प्रवृत्ति जरूर होती है कि उसको मरने से डर लगता है, और अपने से अपना मरने को डर नहीं लगता हो तो अपने परिजनों को मरने से देखने से डर जरूर लगता है। तो हो सकता है कि उस दौरान मरकज के दौरान जो रेड्स हुई ये नहीं समझ पाए हों, पर आज देश को इनको प्यार मोहब्बत से भी समझाने की जरूरत है, और जहां प्यार मोहब्बत से इनको आगोश में अपने साथ लेके चलने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इस समय हमारे लिए डिवाइड करना, आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेल फीमेल कास्ट अपर कास्ट लोअर कास्ट पॉवर्टी नो पॉवर्टी, इसमें देश को डिवाइड करके हम कोरोना की जंग नहीं जीत सकते। हम 1857 में एक रेवोल्यूशन हारे थे, और आज वापस से अगर हमने वही गलती करी जहां पे हमने देश को बांटा, तो हम शायद कोरोना की वायरस की जंग में हार जाएंगे। यही एक समय है कि जो 300 सालों में देश कभी एक साथ इकट्ठा मजबूत होकर एक चीज को नहीं लड़ा, आज वो 2020 में लड़ेगा, ऐसा हमारी अपेक्षा है। स्वास्थ्य विभाग क्या मानता है, मरकज के इस मसले के बाद जो कोरोना वायरस के जो मसले हैं क्या वो बढ़ रहे हैं या फिर सामान्य ही स्थिति मानी जाए? देखिए, मरकज के हिसाब से अगर हम देखें इन हजार लोगों में, इनमें से 300-350 लोग तो पॉजिटिव आएंगे ही आएंगे, ये बात समझिए। पलवल में जैसे 16 लोग पॉजिटिव आ गए, कल हमने 30 सैंपल गुड़गांव में चेक करे, ये नंबर्स तो पॉजिटिव आएंगे, पर आप नंबर से क्यों घबरा रहे? वो इंडिविजुअल का आपसे और हमारे से नंबर का क्या मतलब? हमारे स्टूडियो में बैठ के अगर आपको कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने कॉन्डोमिनियम को बचा के रखिए, उसमें कोई ऊपर नीचे ना जाए, लॉकडाउन का पालन करें। ये समय इस समय अराजकता का बिल्कुल नहीं है, इस समय सोचना समझना प्यार मोहब्बत, और फिर भी ना हो तो लिमिटेड यूज ऑफ फोर्स का यूटिलाइजेशन करके देश और राष्ट्र हित में सोचना आवश्यक है। और अगर कोरोना वायरस तीसरी स्टेज में भारत में प्रवेश भी करता है तो क्या आपको नजर आ रहा है कि स्थिति रुकने लायक है, स्थिति स्थिर हो सकती है? देखिए, बहुत सारे लोग हमेशा देश को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो देश की इनहेरेंट जज्बातों को भूल जाते हैं, भले वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो या आजादी वाली वॉर हो जिसमें हमारे पास नंबर्स कम थे, फिर भी हम अपने जज्बे के बेस पे जीत गए। तो जो ये इंग्लिश मीडिया लिखती है कि हमारे पास वेंटिलेटर की कमी है, हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, वो ये भूल जाते हैं कि हमारे में जज्बे की और जोश की कमी नहीं है। देखिए, बहुत बार बात होती है कि ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से क्यों हुआ, इसको बहुत ज्यादा समझना जरूरी है और पब्लिक को भी समझना जरूरी है। जो लोग कहते हैं प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, गलत है, कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं थी। देखिए, वेंटिलेटर की हमारे पास कमी है, हम 1.6% जीडीपी का हेल्थ केयर पर खर्चा करते हैं, और हमारा नागरिक भी जागरूक नहीं है अपने हेल्थ केयर को लेकर। तो अगर मेरे को पैसा लाना है, जो सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए लगाए, मशीन बेचारी आपके दिमाग से और हमारे दिमाग से नहीं चलती है। मशीन बनाएगी, मशीन को प्रोडक्शन में टाइम लगेगा। पहले मास्क की कमी थी, मार्च के महीने में मास्क, आज आप देखिए मास्क की कोई कमी है क्या? बिल्कुल नहीं। आपके माध्यम से सैनिटाइजर की कमी थी, आप लोगों ने इतना अच्छा प्रयास चलाया गुड़गांव में हरियाणा में कि आज सैनिटाइजर की कमी नहीं है, उसकी कालाबाजारी रुक गई। तो हर ओकेजन पे देश ऊपर उठा है, अपनी परेशानियों को ऊपर उसने बीट करके ऊपर उठा है। अब रही वेंटिलेटर डॉक्टर और अस्पतालों की बात, तो अस्पताल का सुन लीजिए, ईएसआई अस्पताल गुरुग्राम में 200 बेडेड ईएसआई अस्पताल को उन्होंने कोविड हॉस्पिटल बना दिया कि नंबर कभी बहुत ज्यादा बढ़ते भी हैं, जैसे अमेरिका इटली में बने, तो हमारे पास कोविड वाले अस्पताल हो। डॉक्टरों की नियुक्तियां की जा रही हैं, आईएमए के साथ कोऑर्डिनेशन लिया जा रहा है कि पब्लिक प्राइवेट मिलके बारी बारी कोविड हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी देंगे। ये पूरे देश में हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पास हो रहा है। सफदरजंग में कोविड अस्पताल बना दिया गया, चंडीगढ़ में एक अस्पताल कोविड का बना दिया गया, दिल्ली में बना दिया गया। तो इस तरीके से हम अस्पतालों की रूपरेखा कर रहे हैं। जो हम सुनते थे कि चाइना में 10 दिन में बना दिया, हिंदुस्तान ने भी 10 दिन के अंदर खड़े खड़े अस्पतालों को कोविड अस्पताल बना दिया। पर आप अपनी चीज को लेकर प्राउड फील करिए। दूसरा, वेंटिलेटर का प्रोडक्शन बढ़ा दिया कि अगर मई अप्रैल एंड तक और मई तक आते भी हैं केसेस तो आप
आपके पास वेंटिलेटर हो, स्पेशल कमिटीज बैठी हुई हैं। तीसरी चीज पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर की बात है, उसका भी प्रोडक्शन बढ़ा दिया। तो सरकार हर एक तरीके से चरणबद्ध तरीके से कारगर तरीके से अपना ड्यूटी निभा रही है, बट आपको अपनी ड्यूटी निभाना जरूरी है। और आज का तरीका यह है कि आप सबको हाथ जोड़ के अपने 10 लोगों को आज दिन में जरूर बोले कि भाई आज घर से बाहर मत निकलियो, हम 10ों को मिलकर जीतना है। ये 10-10 की चेन मिला के हम 1.3 बिलियन 135 करोड़ नागरिक इस देश के कोरोना को हरा के मानेंगे। बिल्कुल, तो इसी के साथ चर्चा में डॉक्टर नुपुर गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गई है, हेल्थ एक्सपर्ट है। मैम बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। मैम सबसे पहले आपसे यही सवाल होगा कि महिला इस वक्त कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर कितनी चिंतित कितनी व्यथित नजर आ रही हैं, और महिलाओं को खास तौर पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए जो स्टेज फिलहाल भारत में है। देखिए महिलाओं क्या, ये पूरी फैमिली पूरी सोसाइटी हमारी कम्युनिटी सभी इस चीज से परेशान है, लेकिन इस वक्त हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर नागरिक की तरफ कि हमें उनको एजुकेट करना है। ये लॉकडाउन का पीरियड हमें इसीलिए मिला है कि हमें एजुकेशन बढ़ानी है, और महिलाओं की एजुकेशन बढ़ाना और भी जरूरी है क्योंकि वो घर में रहती हैं और अब सब कुछ वो कंट्रोल कर सकती हैं, अपने बच्चों को समझा सकती हैं। क्योंकि पहले हमने देखा था कि महिलाएं कि कुछ एज ग्रुप जो थे वो ज्यादा ग्रसित होते थे इस बीमारी से, या कि एल्डरली पॉपुलेशन था, लेकिन अब इतने केस हो चुके हैं वर्ल्ड ओवर तो हमें पता चल रहा है कि कोई भी एज ग्रुप इससे नहीं बचा है। यंग लोगों की भी मौतें हो सकती हैं और बच्चों को भी हमें इसके बारे में जागरूक करना है। अगर हम महिलाओं को एजुकेट करेंगे, जो महिला संगठन है जो एनजीओ है जो उनके लिए काम करते हैं, तो पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन मिल सकता है। इसीलिए इस टाइम पे हमें कम्युनिटी को एजुकेट करना है, एंगेज करना है और एम्पावर करना है। तीनों चीजें अगर हम ये कर पाए तो कोरोना हमसे हार जाएगा। डॉक्टर नुपुर, इसी बीच सवाल उठता है कि गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और मासिक महामारी के दौरान किस तरीके से महिलाओं को लड़कियों को उनके जो नियम है उनका पालन करना चाहिए, क्या नए कायदे नियम है जो वो अपने जीवन में शामिल कर सकती है इस स्टेज में। देखिए प्रेगनेंसी में इसका दुष्प्रभाव अभी तक नहीं देखा गया है, हालांकि जब बहुत तेज बुखार पहले 3 महीनों में होता है तो जैसा कि और वायरसेस में भी हुआ था, जब मर्स वायरस हुआ था सार्स वायरस हुआ था, तो हाई फीवर के कारण जो बर्थ डिफेक्ट हो सकते थे हो सकता है वो इससे भी हो, पर वो सिर्फ वायरस से नहीं होंगे, वो उसके बुखार के साइड इफेक्ट से हो सकते हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है तो लास्ट ट्राइमेस्टर में देखा गया है कि अगर मदर को या माँ को सांस की दिक्कत हो तो ऑक्सीजनेशन जो ऑक्सीजन जाता है बच्चे को वो कम हो सकता है, उसकी वजह से बच्चे को एस्फिक्सिया या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब तक की जो भी रिसर्च है प्रेगनेंसी में अगर इसका इन्फेक्शन होता भी है तो इससे मेंटल स्ट्रेस तो बढ़ता ही है, लेकिन उसमें एक अच्छी बात है कि मदर टू बेबी ये प्लासेंटा के थ्रू बच्चे को नहीं होता, तो हमें घबराना नहीं है, अपना एक्सपोजर कम से कम रखना है, अपना स्ट्रेस कम रखना है, क्योंकि अब हम बहुत सारी कंसल्टेशन फोन पे कर रहे हैं, बहुत बार हम नहीं मिल पा रहे, लेकिन जो वैक्सीनेशन जरूरी है, जो अल्ट्रासाउंड जरूरी है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो चीजें फिर भी चलती रहेंगी, डिलीवरी फिर भी होती रहेगी, और मदर्स को जो भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड उसके लिए अस्पताल हमेशा खुले हैं और इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहे। हमें लॉकडाउन इसलिए मिला है ताकि हम बेड तैयार कर सकें, सब चीजों के लिए इक्विप हो जाएं और इतने इन्फेक्शन ना बढ़े ताकि हमारी जो रेगुलर इमरजेंसी है ऐसा ना हो कि हमें उसके लिए बेड ना मिले। डॉक्टर राहुल, चर्चा के बीच में एक सवाल जो है वो हरियाणा के गांव से आया है। सवाल ये है कि गांव की महिलाएं की बात कर लें, पुरुषों की बात कर लें, तो उनका पशुपालन का जो कार्य है वो मुख्य तौर पर आजीविका का जो है एक साधन भी है, उनका व्यवसाय भी रोजगार भी है, तो उनकी उससे पूछा गया है कि क्या पशुओं में कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है और उनके संक्रमण से क्या उनको भी कोरोना हो सकता है। देखिए बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत दिनों से ये बात सोच रहा था, क्योंकि हमारा खेती और पशुपालन हरियाणा का एक स्टेपल प्रोफेशन है, तो ये जो सवाल है बिल्कुल सही पूछा है जिस भी व्यक्ति ने पूछा है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहूंगा। एक तो बात समझना है कि अभी तक शायद एक ही केस रिपोर्ट है जहां पे इंसान से जानवर में कोरोना वायरस जाने की खबर आई है, पर बहुत सारा भय हांगकांग में टोक्यो में, इतना भय है कि उन्होंने अपनी कैट्स, क्योंकि वहां पे वो लोग हम जैसे
डॉग्स पालते हैं वो कैट्स पालते हैं, तो उन्होंने अपनी सारी कैट्स को न्यूयॉर्क में, जापान में, हांगकांग में सड़कों पर छोड़ दिया है। बट अगर हम साइंस की बात करते हैं तो अभी तक कोई ऐसा नहीं पाया गया कि ये इंसान से जानवर में जाता हो, मतलब मैं मेरी भैंस के पास चला जाए और मेरी भैंस से मुझे वापस हो जाए, तो अभी तक ऐसा कोई डेटा है नहीं और ना ही इसके लिए हमें अभी घबराने की आवश्यकता है, क्योंकि बेसिकली ये जो वायरस है ये हो सकता है कि बैट्स में रहते, क्योंकि कोरोना वायरस भले ही वो सर्स हो, देखिए आप शब्दों के जाल में ना बुन जाइए, जो वायरस है, वायरस होता है बैक्टीरिया होता है फंगाई होती है, ये वायरस जो है बेसिकली बैट्स चमगादड़ों में रहता है, चमगादड़ और भैंस में दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में स्पीशीज का बहुत ज्यादा अंतर है, तो इसलिए आप इस बात को लेकर मत घबराइए, बट आपको अपना नॉर्मल हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, जिस जगह पे भैंस है या जानवर है उस जगह को साफ रखना, वहां मक्खी नहीं हो, मच्छर मक्खी ना हो, इसका प्रयास करना, और जब भी आप अपने जानवरों को हाथ लगा के आए तो सोप और वाटर से हाथ धो के जरूर तरीके से साफ सुथरे तरीके से रहना, ये करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम समझते हैं गांव में एक बड़ा सा लॉन होता है जहां पे जानवर होते हैं, फिर उनके रहने की जगह होती है, तो आप मास्क पहनना स्टार्ट कर सकते हैं आज की तारीख में। देखिए मास्क अब आने वाले पोस्ट कोविड में, ये बात समझिएगा कि मास्क मैंडेटरी हो जाएगा, देखिएगा एक तरीके से जैसे जापान में कॉमन चीजें लोग मास्क पहन के निकलते हैं, अब देश में भी शायद वैसी व्यवस्था आ जाएगी। कोविड से एक चीज पक्की है कि इस देश में मैं जो देख रहा हूं हाइजीन का मैटर, जो प्राइम मिनिस्टर जी स्वच्छ भारत अभियान पिछले 5 साल से चलाने की कोशिश कर रहे थे, ये बहुत ज्यादा कारगर हो जाएगा, और गांव खेड़े तक लास्ट माइल तक जो आदमी है वो अब हाइजीन हैंड वॉशिंग के बारे में जान जाएगा। तो ये हमारे लिए, चलिए कोरोना वायरस बुरा चीज तो ला ही रहा है पर कुछ अच्छी चीजें भी ला रहा है, जो देश को ओवरनाइट ये 21 दिन में वो 21वीं शताब्दी से 22वीं शताब्दी की तरफ ले जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, एक और प्रश्न हरियाणा के गांव देहात से आया। प्रश्न ये है कि जब कोई भी व्यक्ति डेयरी में दूध खरीदने जाता है तो वो जो बर्तन लेकर जाता है तो डर होता है कि उस बर्तन को अगर वो टच करेंगे, क्योंकि उनसे कई व्यक्ति जो है टच में रहते हैं, उससे भी क्या संक्रमण हो सकता है? नहीं, देखिए आगे ये सब फोमाइट ट्रांसमिशन की जो बातें थी ये देश में अभी तक लागू नहीं हुई। अगर इस हिसाब से लागू होती तो हम कम्युनिटी स्प्रेड में कब के पहुंच चुके होते। देखिए सबसे जरूरी ये नहीं, अभी हम जब गांव में बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम बातों ही को ही बिल्कुल रूप में ले आते हैं। अब मैंने सैनिटाइजर से धोया अपनी स्टेनलेस स्टील की बर्तन था, उसको सैनिटाइजर से लगाया, उसमें दूध डाल दिया, दूध फट जाएगा, उसमें अल्कोहल है। तो आपको सिंपल करना क्या है कि जब आप बाहर निकले तो हाथ धो के जाएं, जो बंदा आए उसे नो टच टेक्निक से दूर से ही अपना दूध उसमें उल्टवाए और घर जाके उसको गर्म कर ले। जैसे वो गर्म होगा 100 डिग्री पे जब वो जाता है, उफान आता है तो उससे वायरस मर जाता है। तो इस छोटी छोटी चीजों से मत डरिए कि मैंने आपको हाथ लगा दिया तो बढ़ जाएगा, मेरा दूध का पैकेट आया तो उससे बढ़ जाएगा, वो बड़ा खतरा नहीं है। बड़ा खतरा मैं और आपकी नजदीकियां हैं कि मैं डॉक्टर परमेश्वर के 1-2 मीटर की जगह 1 मीटर पे खड़ा हूं, मैं उनको हक कर रहा हूं, मैं उनको मिल रहा हूं, उनके साथ हुक्का पी रहा हूं, उनके साथ ताश खेल रहा हूं, ये ज्यादा बड़ा खतरा है। तो ये छोटे छोटे खतरों को नजरअंदाज कर दीजिए, ये बहुत बड़े खतरे नहीं है। आपको जो खतरे की घंटी है वो ये है कि जिसको भी आपके गांव में खांसी जुकाम बुखार हो उसको तत्परता से डॉक्टर के पास लेके जाना है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री हो उसको बताना है, और ये सब चीजें प्यार मोहब्बत से समझानी है, क्योंकि सबको देश का हवाला देना है, आपका और मेरा हवाला नहीं देना, देश का हवाला देना है कि हमें ये सब चीजें देश के लिए करनी है। गांव देहात में जो है, कई अगर गांव का जिक्र करें, सरपंचों का जिक्र करें, तो ये अच्छी पहल उनकी ओर से शुरू की गई है कि गांव को जो है सैनिटाइज किया जाएगा, मास्क बांटे जा रहे हैं, सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं, तो क्या ये विकल्प सही है? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको, देखिए ये आपका चैनल जो है इसने इतना पॉजिटिविटी गांव में लाया है हरियाणा के, कि ये मास्क और सैनिटाइजर अपने देश को बिलियंस ऑफ डॉलर साल के बचाएगा। आप बात समझिएगा, बिलियन अरबों रुपए बचाएगा जो हमारी महामारी में जाते हैं। हर बार गांव में महामारी होती है, जुखाम होता है, बुखार होता है, जिसका हमारे को पता नहीं चलता। ये उस समय आने वाले समय में हमारे को बिलियंस अरबों रुपए बचाएगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हमारे को डेंगू, मलेरिया, खांसी, जुखाम, कॉलरा,
इन सब बीमारियों से अब मुक्त होने का समय आ चुका है। भले ही वो 20 साल पहले था, बट जब हम उठो तभी सवेरा कहते हैं, जब जागो तभी सवेरा, तो अब सवेरा हो चुका है, हम जाग चुके हैं। और ये इस वैश्विक महामारी के चलते चलते हम बहुत सारी और भी बीमारियों को अपने गांव से मार डालेंगे, ऐसा हमारा विचार है। डॉक्टर नुपुर, कोरोना वायरस से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो, उससे कोई अगर टच करता है, हैंडशेक भी करता है, तो वायरस उसके शरीर में किस तरह से प्रवेश करता है और पहले किस अंग पर इफेक्ट डालता है? देखिए, जो कोरोना वायरस से ग्रसित है और जो हमें पहले से ही पता है कि इनको इन्फेक्शन है और टेस्ट में ये प्रूव हो गया है, तो उन लोगों के साथ जो भी है, चाहे वो उनके घर का जना हो, चाहे उनका फ्रेंड हो, चाहे वो अस्पताल में हेल्थ केयर वर्कर हो, सभी को रिस्क है इनसे इन्फेक्शन होने का। तो सबसे पहली चीज, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनको हमें मास्क देना बहुत ही आवश्यक है, और उनकी जो केयर कर रहे हैं, जो उनके एकदम इमीडिएट कॉन्टेक्ट में है, चाहे वो घर का जना हो, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर हो, उन्हें भी मास्क लगाना बहुत जरूरी है। N95 मास्क कुछ एक्सटेंट तक प्रोटेक्ट करता है, 95% केसेस में प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जब हम बोलते हैं, जब हम खांसी करते हैं, जब हम छींकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी माइक्रो ड्रॉपलेट्स आती हैं जो करीब 2 मीटर दूर तक भी जाती हैं, और वो N95 मास्क को भी क्रॉस कर जाती है। इसीलिए हमने देखा कितनी सारी रिपोर्ट्स में कि डॉक्टर भी इन्फेक्ट हो गए उन पेशेंट्स की वजह से, कई बार डॉक्टर की वजह से भी पेशेंट इन्फेक्ट हो गए। इसलिए हमें सबका प्रिकॉशन रखना बहुत ही जरूरी है। पर आजकल जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, CDC, उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि जिन कम्युनिटीज में या जिन कंट्रीज में ट्रांसमिशन थर्ड स्टेज में पहुंच चुका है, मतलब कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है, तो जैसा डॉक्टर राहुल ने बताया कि हमें ग्लव, हमें मास्क पहनना मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता, बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें मिलेंगे जो कि एसिम्टोमेटिक हैं, जिनमें अभी तक कोई भी फीवर, कफ, सांस में दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं आई हो, या फिर वो लोग जो कि अब एकदम इन्फेक्शन उनके अंदर है और सिम्टम 2 दिन बाद ही आने वाले हैं। तो सबसे खराब पीरियड वो है जो 2 से 5 दिन पहले का है, सिम्टम आने के पहले। इसीलिए धीरे धीरे अभी इन चीज पे बहुत रिसर्च चल रही है। जैसे पहले WHO ने कहा था कि मास्क किसको पहनना है, वही जो कि इन्फेक्टेड है या जो उनकी रखवाली करता है, लेकिन धीरे धीरे अब इतनी रिसर्च होती जा रही है, अल्टीमेटली कुछ दिनों में हमें पता चलेगा कि शायद मास्क हमें हमेशा ही पहनना पड़े। लोग जो है वो रिकवर भी हो रहे, जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित है, तो लोगों में एक हौसला भी फिलहाल देखने को मिल रहा है कि अगर हम कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं तो बचाव के कई सारे और भी तरीके, लेकिन फिर भी क्या माना जाए कोरोना वायरस से यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है वो कब तक ठीक हो सकता है, कितना पीरियड, कितना टाइम उसको लगेगा? देखिए, कोरोना वायरस से 80% केसेस में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो। हमने न्यूज में भी देखा कि केरला में या कर्नाटका में 93-year-old लेडी थी, वो भी कोरोना से उन्होंने अच्छे से फाइट किया और वो ठीक होके घर गई, लेकिन इन्फेक्शन होने के बाद कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं जब तक की इन्फेक्टिविटी रहती है और जब तक सिम्टम रहते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में और बहुत सी कंट्रीज में ये एडवाइस दी गई है कि जब हम इन्फेक्शन के लिए टेस्ट रीटेस्ट करते हैं कि अब आप नॉन इन्फेक्टिव हो गए, उसके बाद भी हमें ये एडवाइस दी जाती है कि 2 हफ्ते तक आपको घर में ही रहना है और आपको क्वारंटीन पीरियड में रहना है ताकि कोई भी रिस्क ना हो, क्योंकि कुछ स्टडीज ऐसी हैं जिसमें 2 हफ्ते नहीं, ये वायरल इन्फेक्टिविटी और स्प्रेडिंग का जो टाइम है कम से कम 35 डेज तक भी देखा गया है कि वो वायरस को स्प्रेड कर सकता है। इसलिए हमारा एक ही एम होना चाहिए कि वायरस को पकड़ना, वो जिसके अंदर भी है, और उसको वहीं मार देना और आगे नहीं बढ़ने देना। घरेलू उपचारों की अगर बात करें तो किस तरह से इस वायरस को घरेलू उपायों के आधार पर मात दी जा सकती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है हैंड हाइजीन, जो कि घर में बहुत ही आसानी से फॉलो की जा सकती है। तो हमें कोई भी सरफेस, हमें पता है कि ये सरफेस के टच से होता है, या फिर अब जब हम सरफेस को हाथ लगाते हैं तो 3 चीजें हैं, हमारा मुंह, हमारा नाक और हमारी आंखें, जहां से कि इन्फेक्शन जा सकता है। तो हमें इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना है कि हाथ बार बार फेस पर ना जाए और हम साबुन पानी से हाथ धोएं, और हैंड हाइजीन का प्रॉपर तरीका है, जब हाथ में हम पानी और साबुन लेते हैं तो पहले हमें हथेलियां एक दूसरे से मलनी है, फिर हाथ के ऊपर में जो बीच में से उंगलियां हैं इधर से भी, मैंने पहले भी बताया था, फिर हमें ऐसे भी करना है ताकि हमारा ये वाला पार्ट साफ हो जाए दोनों हाथों के बीच में, ऐसे ऐसे, और इसके 6 स्टेप्स हैं हैंड हाइजीन के, और फिर अंगूठा हमें अलग से धोना है, और जो फिंगर टिप्स हैं उनमें भी कीटाणु रह सकता है। तो अगर हम हैंड हाइजीन
ठीक से फॉलो करें और किसी को यदि सिम्टम आने लगे जो कि बहुत ही माइल्ड है, या मतलब हल्का फीवर हो या थकान हो या खांसी हो या सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, और जब तक आपके पास टेस्ट करने की सुविधा ना हो या आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, आप किससे कॉन्टैक्ट करें, तो भी ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप घर में ही आइसोलेट हो जाएं और डॉक्टर को फोन से कंसल्ट करें। धीरे धीरे ये सुविधा अब घरों तक भी जा रही है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन के बाद आपके लिए फॉर्म भर दिया जाएगा और आपका सैंपल घर से ही टेस्ट हो जाएगा। और अगर आप बहुत माइल्ड हैं तो कुछ कंट्रीज ने ये भी कर दिया है कि वो आइसोलेशन घर में करने लगे, ताकि हम हेल्थ केयर जो स्पेसेस हैं उनको हम ओवर ऑक्यूपाई ना करें और बेड हम खाली रखें जो हमारी रूटीन इमरजेंसी है उसके लिए, या फिर जो मॉडरेट टू सीवियरली अफेक्टेड लोग हैं जिनको अस्पताल में रहना बहुत ही जरूरी है। पर ये दिन पर दिन गाइडलाइन हमारी गवर्नमेंट भी अपडेट करती रहेगी। बिल्कुल, तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से आप कोरोना वायरस से बचाव कर सकते हैं और क्या क्या एहतियात आप भी अपने घरेलू आधार पर बरत सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो लगातार हम चर्चा करें कोरोना वायरस के संक्रमण से किस तरह से आप बच सकते हैं, आपका परिवार अपना बचाव कर सकता है और किस तरह से आप लॉकडाउन में तमाम नियमों का पालन कर सकते हैं। हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा भी शामिल हो गए हैं जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में। सर आपसे सवाल यही कि ये लॉकडाउन बहुत कुछ पॉजिटिविटी भी लेकर आया, प्राकृतिक लहजे से बात करें तो पर्यावरण भी शुद्ध नजर आ रहा है, साउंड नहीं है और कोई भी ऐसा जो है पर्यावरण के तहत कोई भी मसला फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो इसमें जो दूसरी बीमारियों का अगर जिक्र करें तो वो कितनी कम हुई है? देखिए डेफिनेटली हम देख रहे हैं पर्यावरण हमारा जो है साफ होता चला जा रहा है, हमारी गंगा साफ हो रही है, तो पोल्यूशन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा से कम हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली एज ए क्लिनिशियन मैं कभी भी ये विश नहीं करूंगा कि इस तरह कोई भी जो पैंडेमिक है वो माध्यम बने पोल्यूशन क्लियर होने का या गंगा साफ होने का या लोगों के घर में बैठ करके जो है एक सोशल बॉन्डिंग का, ये अच्छा माध्यम तो नहीं है। लेकिन हाँ, एक लेसन हम लोग के लिए जरूर हो सकता है कि अगर हम जो है थोड़ा वर्क फ्रॉम होम करें या हम कम से कम एनवायरमेंट जो है हमें फेवर करता है और लोगों को जो हाइजीन होते हैं केवल कम्युनिकेबल डिजीज से, तो उन सब में जो है निश्चित रूप से एक जो हाइजीन एटिकेट्स हैं वो हम लोग सीख रहे हैं। कोल्ड कफ पहले दिन से कहा जा रहा है, ये कोरोना वायरस जो है अगर नॉर्मल फ्लू वायरस से हम कंपेयर करें तो दो बहुत मेजर चेंजेस हैं। नंबर एक कि इसकी जो स्प्रेड की जो स्पीड है वो बहुत हाई है अगर हम नॉर्मल फ्लू वायरस से कंपेयर करें। सेकंड जो है ये जो लो इम्यूनिटी लोग हैं, चाहे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं जैसे कैंसर का पेशेंट हो गया, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो गए, एचआईवी के पेशेंट हो गए, तो ये सारे पेशेंट जो है ये इसके मार को नहीं झेल पा रहे, इसकी घातकता उनके लिए बहुत ही एक सीवियर है। तो अदरवाइज इसकी जो फेटल रेट है, इसकी जो मोर्टेलिटी है, ये भी फ्लू के वायरस के जितनी ही है। सो कहीं ना कहीं ये एक बहाना बनेगा। लेकिन जो हम अक्सर देखते हैं कि घर में किसी एक को जो है कोल्ड होता है, उसके बाद बारी बारी से हर व्यक्ति को कोल्ड होना शुरू हो जाता है, आज वो समझ पाएंगे कि कैसे जो कोल्ड होता है वो 90% कंडीशन में वायरल ओरिजिन का होता है और कैसे एक दूसरे में स्प्रेड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉम्युनिकेबल डिजीज है जिसमें हमारा जो कॉमन कोल्ड आता है जो हर घर में होता है और एक सदस्य के बाद दूसरे सदस्य को ट्रांसफर होता है, अब अगले साल से अगले सीजन से हम अगर ये जो आज हमें डॉक्टर्स बता रहे हैं कि हमें किस तरह से अपने हाइजीन को मेंटेन करना है, जिसको कोल्ड है उसको मास्क का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर का कैसे इस्तेमाल करना है, घर में घुसने के बाद हाथ धोकर के ही खाना खाना है, दूसरे को टच कैसे करना है, सो ये सब एटिकेट्स जो है ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज हमारे देश में एटलीस्ट लाने जा रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि ये जो टाइम है ये सीखने का टाइम है, इसमें किसी तरह का पैनिक और नेगेटिविटी अपने भरने का समय नहीं है। और यहां पे एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि इस समय जो हमारा एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, मैं सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड को एक्चुअली बहुत अप्रिशिएट नहीं करता, मुझे लगता है कि इट शुड बी फिजिकल डिस्टेंस। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग जो हो रही है, क्योंकि सोशली तो हम लोग और हमारी बॉन्डिंग हो रही है, हम एक दूसरे का हाल ले रहे हैं, जिन दोस्तों को हमने 3 साल से फोन नहीं किया था उनको भी फोन करके हम हालचाल ले रहे हैं, अपने परिवार के भाइयों बहनों सबको हम कॉल कर रहे हैं, तो सोशली तो बॉन्डिंग हो रही है। बेसिकली जो थोड़ा सा डिस्टेंसिंग है वो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, एक आदमी दूसरे आदमी से थोड़ा सा दूर होकर बात कर रहा है, तो इट्स ए फिजिकल डिस्टेंसिंग। इस समय फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ
जो सेकंड जो है हमें इम्पोर्टेंट एक तरह से चीज निकल के आ रही है वो है हमारी इम्यूनिटी. हमारी इम्यूनिटी क्योंकि देख रहे हैं हम जिस तरह से केसेज बढ़ रहे हैं, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स बीच में हुए, अब कहीं ना कहीं जो है स्लम्स में ये वायरस के इन्फेक्टेड संक्रमित केसेज हमें मिलने शुरू हो गए हैं. तो मुझे लगता है कि नाउ इज द टाइम जब हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हम अपनी इम्यूनिटी पे भी पूरा ध्यान दें. जिस तरह से हम आपको बार बार कह रहे हैं कि डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, अपना हाइजीन मेंटेन कीजिए, उसी तरह से इम्यूनिटी के लिए जो है मुझे लगता है कि आयुष ने जो गाइडलाइन दी है वो मैं अपने हरियाणा न्यूज के दर्शकों को जरूर सुनाना चाहूंगा. कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आप अपने बेसिक बेसिक इम्यूनिटी पे अच्छा काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, उसे अच्छा रख सकते हैं. नंबर एक, आपको दिन भर गर्म पानी पीना है. जब भी आपको प्यास लगती है आप गर्म पानी पिए, और जिन लोगों को गर्म पानी नहीं भाता वो गर्म पानी को ठंडा करके पिए, लेकिन कच्चा पानी ना पिए, बिना उबला पानी ना पिए. और जो व्यक्ति पूरा दिन गर्म पानी नहीं पी सकता वो दिन में कम से कम दो बार जैसे चाय पीता है ऐसे सिप सिप करके एक कप गर्म पानी सुबह शाम जरूर ले. दूसरा जो है योगासन करें. देखिए योगासन जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब अष्टांग योग से है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये आठ होते हैं. लेकिन इनमें से पहले पांच जो हैं वो हम लोगों के सामान्य एक तरह से जो प्रैक्टिस होती है नॉर्मल प्रैक्टिस उसमें आना चाहिए. यम को आप सीखिए, नियम को आप सीखिए, आसन को आप सीखिए. यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये सब चीजें जो है आप जरूर घर पे प्रैक्टिस कीजिए. आजकल नेट पे आप पूरा ज्ञान ले सकते हैं. बहुत हल्का हल्का प्राणायाम करेंगे तो आपके लिए लंग्स भी आपके मजबूत होंगे और आपको इम्यूनिटी बढ़ेगी. तीसरा जो है जो हमारे किचन के जो स्पाइसीज होते हैं जिसमें हम सारी चीजों का नाम ले सकते हैं, हल्दी है, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, इन सब का जितना अधिक से अधिक हो सके अपनी कुकिंग में इस्तेमाल कीजिए. इससे भी आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी होगी. एंड मैं पहले से कहता आ रहा हूं, शायद दो महीने पहले से मैंने बोलना शुरू किया था कि चवन प्राश का आप सेवन करें, क्योंकि विटामिन सी आज एक तरह से सभी चाहे वो डॉक्टर्स हों साइंटिस्ट हों बोलते हैं कि इम्यूनिटी बिल्ड करने में विटामिन सी प्लेज ए वाइटल रोल. और जब विटामिन सी की बात आती है तो उसमें इन जनरल हम लोग की एकदम से ध्यान जाता है संतरा पे, नींबू पे, मौसमी पे, लेकिन ये जो टेस्ट में खट्टी चीजें होती हैं वो 50% इंडियंस को माफिक नहीं बैठती हैं. खट्टी चीज जब हम खाते हैं तो हमारा गला खराब हो जाता है, हमें कहीं ना कहीं गले में दर्द, कहीं कहीं तो बुखार तक हो जाता है. तो ऐसे में हमें अगर विटामिन सी चाहिए तो हमें उस सोर्स को ढूंढना होगा जो हमारे गले को खराब ना करे, जो हमें टेस्ट में खट्टा ना हो. तो ऐसे में चवन प्राश जो है ये देखिए आयुष मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिकमेंड किया है कि दिन में एक चम्मच चवन प्राश यदि आप खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी. तो चवन प्राश का प्रयोग करें. यहां पे मेंशन करना चाहूंगा कि शुगर फ्री च्यवनप्राश भी मार्केट में अवेलेबल है, तो डायबिटिक पेशेंट कैन गो फॉर शुगर फ्री च्यवनप्राश. उसके बाद जो है फिर कुछ चीजों का काढ़ा यानी कि डिकॉक्शन बनाने के लिए जो है आयुष ने जो है रिकमेंड किया है. उसमें जो है आप देखिए मैं हमेशा 11 चीजें बोलता हूं, सौंठ है, काली मिर्च है, पिपली है, उसके बाद लौंग है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, गिलोय है, तुलसी है, हरिद्रा, दारू हरिद्रा और मुलैठी. इन 11 चीजों को मैं हमेशा बोलता हूं, इन 11 में से जितनी भी आपको उपलब्ध हो सके आप अपने स्वाद के हिसाब से, अपनी तासीर के हिसाब से, जैसे आप घर पे चाय बनाते हैं उस तरह से उसको पत्ती की तरह इस्तेमाल करें, अच्छे से उबाल दें. अगर मीठा करना है तो उसमें गुड़ मिलाएं, उसका दिन में एक से दो बार सेवन करें, बच्चों को भी पिलाएं. उसके बाद आता है गोल्डन मिल्क. गोल्डन मिल्क देखिए आज हमारे देश में तो हल्दी का दूध पीने का प्रचलन बहुत पहले से था, लेकिन आज विदेशों में भी गोल्डन मिल्क के नाम से केवल वो हल्दी दूध में डाल करके जो है पिलाते हैं. देखिए हल्दी का जो एक्टिव एल्कोलाइड होता है कुरकुमिन, उसका एब्जॉर्प्शन होता है फैट के साथ. तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए अगर आप पानी में हल्दी लेते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा. हल्दी का सेवन दूध के साथ करना चाहिए. और हल्दी का दूध बनाने का भी एक विशेष तरीका है कि आप चौथाई चम्मच घर की हल्दी, वो हल्दी कुरकुमा लौंगा जो आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको एक कप दूध एक कप पानी में डाल करके आपको 5 मिनट बॉइल करना है, सो दैट वो 2 कप का 1 कप रह जाए. तो वो दूध गाढ़ा नहीं होगा, पीला भी हो जाएगा, हल्दी के पूरे गुण भी आ जाएंगे. छान करके उस दूध का सेवन करें. एंड इसके बाद इसी बीच एक और सवाल है, मेंटली हिसाब से लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, एक हेल्थ एक्सपर्ट के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि किस दिन के लॉकडाउन में लोगों की जो मेंटली सिचुएशन है वो डरे हुए वो महसूस कर रहे हैं? देखिए यहाँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन. दो चीजें, जो युवा है वो थोड़ा सा परेशान है, बाहर नहीं जा पा रहा. जो हमारा बुजुर्ग है वो बहुत खुश है, वो क्योंकि वो उसे एटलीस्ट अपने बच्चों के दर्शन हो रहे हैं, बच्चे उनके साथ बैठे हैं, बाहर
क्योंकि हमारा जो बुजुर्ग था वो कहीं ना कहीं जो है अकेलापन इस समय जो है वो झेल रहा था सोसाइटी में, जिस तरह का हमारा हो गया कि सुबह लड़का भी काम पे चला गया, वाइफ भी काम पे चले गई, बच्चे स्कूल चले गए, तो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो माँ बाप थे, वो कहीं ना कहीं एक तरह से अकेलापन, वो तो उस समय भी क्वारंटाइन में थे, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे बुजुर्ग हैं दे आर कंफर्टेबल। एंड इस बात को आप देखिए, हर बात जो है वो आंकड़ों के हिसाब से होती है। जो शमशान है उन पे जब हम बात कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, जो इन जनरल जो हम बीमारी की वजह से डेथ्स होती थी, रूटीन डेथ्स होती थी, तो यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज कि उसमें काफी कमी आई है। जिस घाट पे, जिस जगह पे 30 बॉडी पहुंचती थी रोज, आज वहां पे 5 से 7 बॉडी पहुंच रही है। ये बहुत ही एक तरह से एक एनालिसिस का विषय है, इस पे हमें जरूर काम करना चाहिए कि क्या वजह है कि आज जबकि ओपीडी भी कम है, डॉक्टर्स के हॉस्पिटल, आई मीन हॉस्पिटल भी लोग नहीं जा रहे, उसके बाद भी जो रूटीन डेथ होती थी उसमें इतना सबस्टेंशियली कमी आई है। तो कहीं ना कहीं जो हम घर बैठे हैं, बड़ों के साथ बैठे हैं, और अपनों का सपोर्ट कितना जरूरी है, मुझे लगता है इस पे काम होना चाहिए, जरूर इस पे विचार होना चाहिए। की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपको यह समझना जरूरी है कि 80% से हमारा स्ट्रेस कम हो गया। हमारा विदेशी मीडिया से प्रेरित इंग्लिश मीडिया जो बार बार ये लगता है कि हमारे यहाँ पे चाइना में डाइवोर्स के रेट बढ़ गए, हमारे यहाँ बढ़ जाएंगे, वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे देश का ताना बाना कितना जुड़ा हुआ है। हम आपस में कितनी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और प्यार करते हैं, पर उस होड़ में, आगे बढ़ने की होड़ में, पैसा कमाने की होड़ में, जो हम अपनों से दूर हो चुके थे, अपने बच्चों से दूर हो चुके थे, अपने हस्बैंड वाइफ में दरारें आ चुकी थी, ये एक्चुअली इमोशनल बॉन्डिंग का समय हो गया। ये भले ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब हो गया कि मैं अपने पड़ोसी से नहीं मिल रहा, पर घर में ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, ये सोशल बॉन्ड को बढ़ रहा है। तो आप 21 दिन बाद देखिएगा देश एक अलग ही ऊर्जा से बाहर निकलेगा, जिसमें फैमिलीज यूनाइटेड होंगी, उनके लड़ाई झगड़े खत्म हो चुके होंगे, स्ट्रेस ऑलरेडी बहुत कम है। तो मैं आपके दर्शकों से बार बार ये कहूंगा कि इस बात का स्ट्रेस मत लीजिए कि इकोनॉमी का क्या होगा, इंग्लिश मीडिया को पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इकोनॉमी जिस दिन हम अपने 200% से काम करेंगे तो देखिएगा देश कहां से कहां निकल जाएगा, क्योंकि अभी तक हम रोज काम करते 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 शायद 40% की एफिशिएंसी से भी काम नहीं कर रहे थे। देश में नई ऊर्जा का जो स्थापन हुआ है वो अपने को देश को बहुत आगे लेके जाएगा। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मेंटली हम बिल्कुल सब स्वस्थ हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठे हैं, बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, उनको ग्रो होता हुआ देख पा रहे हैं, उनकी छोटी छोटी चीजों को देख पा रहे हैं। तो ये ऐसी विकट समस्या में जो ये अपने को वरदान मिला है, हमारे को लगता है कि इसे हमें भरपूर तरीके से इंजॉय करना चाहिए। डॉक्टर राहुल की बात से पूरी तरह संतुष्ट हूं, लेकिन एक शब्द इसमें जोड़ना चाहूंगा, ये जितनी पॉजिटिव बातें डॉक्टर राहुल ने बोली हैं ये बिल्कुल सच है, 100% सही है, लेकिन इतना अचीवमेंट लेने के लिए आपकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। आपकी अप्रोच अगर नेगेटिव हुई तो ये कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है, आपकी अप्रोच अगर पॉजिटिव है तो आप वो सब पा लेंगे जो आप सालों से इंतजार कर रहे थे, ये 21 दिन में आप सब वो पाएंगे। डॉक्टर राहुल, क्या आपको लगता है कि हम कोरोना वायरस की दवा ढूंढने या उसका इलाज ढूंढने में सफल होने के जो है कगार पर हैं? देखिए, जिस तरीके से 4 महीने पुराना वायरस है और जिस तरीके से मैनकाइंड इसके पीछे पड़ा हुआ है, इसे कहते हैं हाथ धो के पीछे पड़ जाना, जैसे कहते हैं ना जो अपनी देसी भाषा में, हम कोरोना वायरस के हाथ धो के पीछे पड़े हुए, उसका एक एक एमआरएनए के अंदर एक एक उसका प्रोटीन को आज हम जानते हैं। अब समय बस उसी चीज का है कि कितने दिन में वैक्सीन आएगी और कितने दिन में इसका कारगर इलाज आएगा। हमारे को लगता है कि जिस हिसाब से 18 से 19 दवाइयों की ट्रायल इस समय विदेश में चल रही है, हम जल्द से जल्द लोगों तक पहुंच पाएंगे और लोगों को एक सोल्यूशन दे पाएंगे कि कोई बीमार पड़ भी गया, वेंटिलेटर पे चला भी गया, तब भी हम उसको प्लाज्मा डाल के शायद लोगों को बचा पाए, ऐसा कर्तव्य है। बट उससे ज्यादा जरूरी क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखिए, आपके माध्यम से अगेन मैं रूरल दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर मेरे ट्रीटमेंट में 100 रुपए लगते हैं तो बीमारी को बचाने में 1 रुपया लगता है। ये अगर आपने गणित समझ लिया तो आप बहुत सारी बीमारियों से बीमार ही नहीं पड़ेंगे, अपने शरीर को प्यार करने लगेंगे, उसको नियमित रूप से डिसिप्लिन में रखेंगे, तो ये अच्छी से अच्छी गाड़ी की तरह लंबे समय तक आपका साथ देगी और इसको मरम्मत की और ओवरहॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने आप को कोरोना वायरस समय दे रहा है। देखिए, रूरल में आपसे बहुत बार बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड,
तो अगर आप चार महिला को बिठा दो तो 18 बीमारियां उनमें जरूर होगी। बिल्कुल, किसी में डायबिटीज होगी, किसी को पता नहीं होगा, किसी में मोटापा होगा। ये समय है, जिस भगवान को हम मानते हैं, भगवान कहता है, कोई भी भगवान मानते हो, हर भगवान ये कहता है कि मैं आपके शरीर में व्यास करता हूं, तो इस शरीर की पूजा करिए। इस शरीर की पूजा करेंगे, भगवान की पूजा होगी और आप अपने आप को डिजीज मुक्त कर पाएंगे, ताकि आप प्रिवेंशन से ही बेटर हो पाए। और कोरोना वायरस ने समय दिया है, देखिए कोरोना वायरस कह रहा है कि देखो मैं दवाई नहीं बनने दूंगा तुम्हारी। आध्यात्म रूप से सोचिए कि कोरोना वायरस कह रहा है कि मैं दवाई बनेगी, जब तक बनेगी तब तक मैं इंसान को प्रिवेंशन की डेफिनेशन वापस याद दिला दूं। इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है, आप बताइए। और डॉक्टर राहुल, मैं आपकी बात यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। आपने बोला कि अपने शरीर की पूजा करें, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है दिया जला के अपने शरीर की पूजा करना शुरू कर दें। शरीर की पूजा से डॉक्टर राहुल का मतलब है अपना खान पान ठीक रखें, अनुशासित रखें, आपकी क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, खाने की क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, सही टाइम पे खाना खाइए, सही तरीके से खाना खाइए और जीवन शैली जो है बहुत संयमित और अनुशासित हो। इसे बोलते हैं शरीर की पूजा करना। शरीर की पूजा दिए से मत करना शुरू कर देना। डॉक्टर परमेश्वर, देखिए बिल्कुल, कोरोना वायरस ने हमें बताया कि गर्म खाना 3 टाइम मिलता है तो स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होता है। तो जो हम सब घर में बैठे हैं और गर्म खाने का हमें सेवन मिल रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो हम शायद भूल चुके थे। तो ये समय बहुत अच्छा है, प्रकृति हमारे को सिखा रही है, सीखिए। इसमें इफ्स एंड बट्स मत करिए, सवाल मत पूछिए, इस समय को एंजॉय करिए। और डॉक्टर राहुल, एक चीज और क्लियर हो रही है कि जो लोग ये कहते थे कि एक समय काम पे नहीं जाएंगे तो शायद दुनिया ठहर जाएगी, उनके भी कंफ्यूजन दूर हो रहा है कि अगर वो घर पे इतने दिनों के लिए बैठ जाए तो कोई आफत नहीं आने जा रही। और आपको मैं फिर एश्योर करना चाहता हूं कि जब ये समय है पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने को रेजुवनेट करने का, अपने डिटॉक्स करने का, और डिटॉक्स भी दो लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, अपने शरीर से बीमारियां निकालिए, अपने दिमाग की नेगेटिविटी को खत्म कीजिए। देखिए आपकी जो आज वर्किंग एफिशिएंसी 40% थी, वो आज से 1-2 महीने बाद जो है वो 80% होगी, तब अपना प्रोडक्टिविटी आप देखिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय को हमने मैक्सिमम यूटिलाइज करना है विद ए वेरी वेरी लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, और अपने को जो है इस कोरोना वायरस को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। डॉक्टर अरोड़ा, गांव देहात के बुजुर्गों की ओर से कहा जा रहा है कि हमने पूरी जिंदगी भर वेंटिलेटर को ना देखा, तो हमारी जिंदगी जो है युवाओं से बेहतर रही है। तो अब युवा भी जो है उनको भी सुधरने की जो है यहां से पहल नजर आ रही है कि अब तो सुधरना होगा, अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो भी स्ट्रांग करने की जरूरत होगी और खाने पीने पर ध्यान देना ही होगा आपकी बार। बिल्कुल, देखिये ये हमारे मैं तो हमेशा बोलता हूं कि यदि हम आज से 70 साल 60 साल, देखिए मैं वैदिक काल की बात नहीं कर रहा हूं, रामायण और महाभारत काल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हम 60-70 साल के बुजुर्गों से अपनी हेल्थ की क्वालिटी को कंपेयर करें, यदि हम अपनी लाइफ के क्वांटम को कंपेयर करें, तो एक इतनी बड़ी पॉजिटिव फैक्ट्स के साथ में कि हम लोग कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा जो है धनी भी हैं, हम टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग हैं, हमारे पास डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी अधिक है, हमारे पास हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी अधिक है, हमारे पास इमरजेंसी सर्विसेज अच्छी हैं, लेकिन अगर हम हेल्थ को कंपेयर करें, हेल्थ की क्वालिटी को, हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते अपने उन बुजुर्गों के आगे। हम क्वांटम ऑफ लाइफ की बात करें तो हमारे बड़े जो है इन सब चीजों के अभाव में भी 100 साल जी जाते थे, लेकिन आज सच्ची बात यह है कि हम डॉक्टर होने के बावजूद भी हम 75-80 साल जीने की कल्पना नहीं करते। हमें लगता है कि 70-72-75 में कुछ ना कुछ हर व्यक्ति के साथ ऐसा घटित होता है कि उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। 100 वर्ष जीना तो डॉक्टर राहुल आप मानेंगे कि आखिरी के दस साल जो है हम मरीजों को ये कहते हैं कि आप हमारे लिए कमा रहे हैं। आखिरी के 10 साल तो आपके अस्पताल में बीतेंगे। जो 50 साल 55 साल बिता गया, अगर उसको 75 साल तक जीना है तो अगले 15 साल वो अस्पतालों के चक्कर लगा के ही जिएगा, क्योंकि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, देखिए डायबिटीज का कितना बड़ा, विश्व की कैपिटल इंडिया 1.135 करोड़ लोगों पे एक तबका लगा हुआ है कि हम वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल है, कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायबिटिक हमारे पास है। तो आप देखिए इस बात को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं इस होड़ में, आगे बढ़ने की होड़ में, पैसा कमाने की होड़ में हम अपने परिजनों से अलग हो गए, हमने बीमारियां मोल ले ली, हमने ये जो स्ट्रेस, जो मेंटल हेल्थ में हम बार बार साइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, इसका हमने बढ़ावा दे दिया। तो आप कोरोना वायरस एक ऐसी प्रलय के रूप में आया है जो सिर्फ और सिर्फ तबाही नहीं मचा रहा, वो आपको एक पॉजिटिव संदेश देके जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए ओजोन लेयर जिससे आपको अल्ट्रावायलेट रेज रुकती है उसमें बंदिश चालू हो गई,
पिछले 70-80 साल में जो टूट रही थी वो पहली बार इस 21 दिन के लॉकडाउन और विश्व के निरंतर औद्योगिकरण से रुकने से वो ओजोन लेयर अपने आप हील करने लगे। तो मदर अर्थ में बहुत सारी कैपेसिटी है जो हमको समझना जरूरी था, और जो लोग अनभिज्ञ थे, हम जैसे जो पढ़े लिखे अनभिज्ञ थे कि हमारे जानने से अस्पताल रुक जाएगा, हमारे जानने से विश्व रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता। किसी के कुछ कहने से रुकता नहीं है। आपको रुक के रोकथाम करके अपने शरीर को, अपने सोसाइटी को, अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है, पर लॉकडाउन के साथ। एक राहुल, लॉकडाउन के साथ अगर हर व्यक्ति की प्रायोरिटी दो चीज हो जाए, नंबर एक क्वालिटी ऑफ हेल्थ, उसको लगे कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज है हेल्दी रहना, और नंबर टू क्वांटम ऑफ लाइफ, यानी कि मुझे तो 100 वर्ष तक जीना है, अगर ये दो चीजें अपना टारगेट कर लेते हैं तो उसके बाद खान पान भी अपने आप आपका ठीक होता होना शुरू हो जाएगा और आपकी लाइफस्टाइल भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो ये प्रायोरिटी हमको चेंज करनी है, क्योंकि इस प्रायोरिटी के साथ में जो है मुझे लगता है एक अच्छा संसार, एक अच्छा एक सुंदर संसार हम देख पाएंगे। डॉक्टर नूपुर, चर्चा का आखिरी सवाल यही है कि लोगों को अब क्या विशेष ध्यान रखना है, क्या सतर्कता उनको बरतनी चाहिए फिलहाल? देखिए, इस सब की बात हम कर चुके हैं कि हमें सेफ हैंड हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, हमें खांसी कैसे करना है, हमें छींकना कैसे, कब हमें ध्यान रखना है कि हमें एल्बो के ऊपर छींकना है, या फिर हमारे पास अगर टिश्यू पेपर है तो हमने उस पे छींका या खांसी किया तो उसको डिस्पोज करना है एक डब्बे में जिसके ऊपर की ढक्कन हो, ताकि उससे एरोसोल जनरेट ना हो। लेकिन और साथ ही साथ हम लॉकडाउन को भी फॉलो कर रहे हैं, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो कर रहे हैं, पर ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी दिन लॉकडाउन जरूर खुलेगा और हमारी स्ट्रेटजी हर दिन और हर कुछ हफ्तों में बदलती रहेगी। कभी हम लॉकडाउन खोलेंगे, कभी हम बंद करेंगे, फिर हम देखेंगे कि वायरस कैसे बिहेव कर रहा है। लेकिन जब हमारा लॉकडाउन है और आज हम इसको अगर ढंग से फॉलो करें तो हो सकता है हम इस लॉकडाउन से जल्दी निकल पाएंगे, हमारे अगले कुछ महीने अच्छे से रहेंगे और हम वायरस को पकड़ पाएंगे। आज की हमारी यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अवेलेबल करें, इसको इजियर करें, हम घर से कलेक्ट करें, जहां जहां हम सेंटर खोल सकते हैं वो खोलें। बहुत सारी लैब सामने आ गई हैं, मैक्स लैब भी अब तैयार होने वाली है, थायरो केयर ये कर ही रही है, स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज में हो रहा है, SRL लैब भी कार्यरत है। तो जितने हम टेस्ट कर पाएंगे उतने हम आइसोलेट करेंगे और उतने हम उनके कॉन्टैक्ट को क्वारंटाइन करेंगे। यही एक तरीका है वायरस से जीतने के लिए, और इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, तभी हम इस अपने मिशन में हम सक्सेसफुल होंगे। जी, तो चर्चा में डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राहुल भार्गव आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नूपुर गुप्ता, तमाम जितने भी हमारे साथ अतिथि जुड़े आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा में हमने बात की तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम सावधानियों का हमने जिक्र किया, और एक बात का और हमने जिक्र किया कि बुजुर्गों की ओर से स्पेशली कहा जा रहा है कि हमारे टाइम में तो हमने ना तो आइसोलेशन वार्ड देखा और ना ही हमने वेंटिलेटर देखा। तो अब के जितने भी युवा हैं उनको सोचने की आवश्यकता है, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है लगातार जिस तरीके से गिर रहा है, अच्छा खान पान आप इस्तेमाल कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए और मिलकर आइए कोरोना को मात दे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।